1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से पापड़ी से मुबारकपुर बीजवा अलावड़ा होते हुए सैमला भरतपुर सीमा तक बनने वाली सड़क में घटिया सामग्री और खोखली सड़क बनाने का मानिकी गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। प्रदेश में पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय स्वीकृत किशनगढ़ अलवर मार्ग में पापड़ी से मुबारकपुर बीजवा अलावड़ा होते हुए गोविंदगढ़ से सैमला भरतपुर सीमा तक 66.5 करोड़ की लागत से 66.5 किलोमीटर बनने वाली सड़क में ग्रामीण क्षेत्र मानकी में बनाई जा रही सीमेंटेड सड़क में घटिया सामग्री और साइड में नीचे से खोखली सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और बताया कि सीमेंटेड सड़क में बनने के साथ ही सड़क फटने से दरारें आने लग गई हैं। इस बारे में सहायक अभियंता अरोड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि तापमान अधिक होने के कारण दरार आ रही है और खोखली सड़क बनाने के बारे में कहा कि मैं मौके पर देखकर बताता हूं क्या कारण है। मीडियाकर्मी राधेश्याम गेरा ने जब मौके पर देखा और मौके पर मौजूद ठेकेदार से बात की तो उन्होंने बताया कि साइड में लगने वाले चैनल सड़क जाने से ऐसा हुआ है। खोखला हिस्सा है वह पैमाइश से अधिक है। उन्होंने तुरंत फीते से नाप कर दिखाया और बताया कि बनने वाली सीमेंटेड सड़क की चौड़ाई 18 फुट होनी चाहिए थी जो कि चैनल के टेढ़ा हो जाने से बढ़कर 18 फुट 9 इंच हो गई है। फालतू की 9 इंच को कटवा कर सीधा करवा दिया जाएगा या इसके बगल में नीचे खोखली जगह में मसाला भरवा कर सही करा दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व सरपंच सतीश मेघवाल, बशीरा इमरान, रामकिशन मेघवाल, सोहन सिंह सहित अनेक लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे।